देखो गोविंद की फास्ट साउंड। भाई बहुत मन कर रहा था आज बाइक चलाने का, क्योंकि संडे राइड हुई, हमने राइड नहीं करी। एंड आज मंडे है, मंडे गोविंद का ऑफ होता है, शॉप क्लोज होती है। एंड मेरे को भी आज कोई काम नहीं होता, क्योंकि जब बाइक्स मार्केट बंद होती है तो अपना सारा रिलेटेड जो काम है बाइक्स से ही है, तो फिर अपनी भी आज काइंड ऑफ छुट्टी हो जाती है। सुबह से बैठे बैठे ना ये और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो हम दोनों ने बात करी। आज मेरे फैमिली वाले भी, आज किसी के एंगेजमेंट है हमारे नोन्स में, तो वहाँ गया। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा चल यार आज मन नहीं कर रहा, बाइक भी है चलाई भी नहीं है, तो चल चलते हैं आज राइड पे और कुछ बाहर खा भी लेंगे, क्योंकि जब घर पे नहीं है तो डिनर भी नहीं बना। मैं भी भूखा रहूँगा, गोविंद भी भूखा ही रहेगा। तो आज हम निकले हैं डेट पे अपनी थॉर के साथ, आज की हमारी डेट है ये। हाँ, आज इसके साथ हम कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं, कैंडल लाइट नहीं मोबाइल टॉर्च डिनर, क्योंकि हमारे पास कैंडल है नहीं है, डिनर करेंगे आज अंधेरे में। अंधेरे में डिनर करने वाले हैं भाई। और जब भी हम बाइक चलाएं और मैं और गोविंद साथ हो और आप लोगों के लिए ब्लॉग ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। देखो गोविंद की फास्ट साउंड। ये लोअर पहन के आया सिल्क का, जैसे मैं इसको स्वेट दे रहा हूँ ना, इसका पजामा पीछे फिसल रहा है, ये मेरे को एक दो पकड़ रहा है ऐसे तोड़ की कि मेरा टमी भी दबा रहा है। ओए मत कर। ये भाई पीछे से फ्लेम जोड़ी जा रही है एक, ये इसको जब तक ना चलाओ ना तो ऐसा मन करता है कि चलाओ भाई थोर चलाओ, पटाखे मारेगी, आवाज आएगी, मतलब अलग ही लेवल वाला फन आएगा। लेकिन जब इसको चलाओ ना और जब इसके पटाखे शुरू होते हैं थोड़े गर्म होने के बाद, तब ऐसा लगता है मैं भाई क्यों ही चला रहा हूँ। जो भी कहो यार, मतलब मैंने बहुत Z900 चलाई है, एग्जॉस्ट फुल सिस्टम पे वाली भी चलाई है, पावर कमांडर वाली भी चलाई है, बट जो फीलिंग मेरे को अपनी दौर में आती है ना, देखो मैं ये चीज इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल बाइक है, बट ये चीज मैंने जिसको भी अपनी बाइक दी है ना चलाने को, ये चीज सबने बोली है कि भैया आपकी बाइक में एक तो पावर कुछ अलग ही है एंड प्लस आवाज तो नेक्स्ट लेवल है ही है, एंड ये लोग जरा सी भी जगह नहीं छोड़ रहे निकलने के लिए। तो ये चीज मैं अपने आप को भी फील करता हूँ और दूसरे लोग जो चलाते हैं ना वो भी फील करते हैं कि भैया आपकी Z900 ना, मतलब 900 नहीं लगती, कुछ ज्यादा ही लगती है, एक तो आवाज की वजह से एंड प्लस इसकी पावर की वजह से। हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह, आप लोग दिल्ली में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा यार वो जगह, बट वो जगह फेमस है नॉनवेज के लिए, एंड हम नॉनवेज वाली जगह जा रहे हैं वेज खाने, क्योंकि हम, मैं, गोविंद और गौरव भैया तीनों ही वेजिटेरियन है एंड प्योर वाले वेजिटेरियन है। मैं सिर्फ एग खाता हूँ, ये दोनों तो एग भी नहीं खाते, बट स्टिल हम फिर भी वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का तवा पनीर और दाल मखनी और पनीर नान, मतलब क्या कहने, मुंह में स्वाद आ जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता उधर का खाने से। तो हम जा रहे हैं राजेंद्र का ढाबा, बहुत फेमस है और अपना हाउस का विलेज के बैक साइड में ही है। मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता यार, क्योंकि मैं इसीलिए साउथ दिल्ली का नहीं हूँ, मैं नॉर्थ दिल्ली का हूँ, बट है इसी के आसपास। लेकिन इधर का खाना एक नंबर, एक नंबर, मतलब एक नंबर से भी अगर कुछ और होता ना तो वो नंबर है। तवा पनीर की दही तोड़ेगा, तो बहुत खाऊंगा। कितना खाएगा? सारा खाऊंगा। कितना? बहुत सारा, 2 किलो। इतना खा लूंगा कि हाथ दे दे के उल्टी करनी पड़ेगी। मजा आया आपको पीछे बैठने में? इस आदमी ने मेरी एक्सप्रेसी करवा दी। गंदा साला, अभी भी सिर 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 आपकी आपकी बाइक को चलाने में मेरे को बहुत मजा आया। अकील चाहने ही नहीं ना, शांति। ठीक है, आज के बाद कभी चलाइयो मत बाइक। ओ ऐसा थोड़ा ना है, गर्मी है, इतनी भी अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी नहीं चली।
चेंज होना मांग रहा है ये कह रहा है कि ये मेरे को पहनना छोड़ दो और उसको पहनना शुरू कर दो जितनी मैं तारीफ करता हूँ आ रहा था ना इधर के खाने की खाना तो नो डाउट भाई खाना अच्छा है लेकिन आज हमारा ना मन नहीं भरा पेट भर गया आज मेरा डेढ़ नान में पेट भर गया वरना ये कम से कम दो ढाई नान खा जाता है एंड इधर के दो ढाई नान ये समझ लो आठ पनीर 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 आठ नौ रोटी के बराबर होते हैं इसका एक पनीर नान इतना हेवी होता है ना ये दो ढाई खा जाता है एंड मैं एक से सवा खा जाता हूँ बट आज इतनी ज्यादा ओवर हो चुकी है ना ऐसा लग रहा है कि आज वॉमिट वॉमिट क्योंकि आज हम बहुत टाइम बाद आया ना ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि आज हम बहुत मतलब घर का खाना खा खा के ना बाहर का खाने की हमारे को थोड़ी वो हो गई है एंड आज मतलब टमी तो ये देख लो हमारा तो यही आपको पता ही है लेकिन आज भी ज्यादा लग रहा है आज मैं कैमरा तो लेके नहीं आया इसलिए फोन से ब्लॉक कर रहा हूँ क्वालिटी थोड़ी सी लो आ रही है लेकिन भाई सच में मतलब आज अब ऐसा लग रहा है कि जब तक वॉमिट नहीं करेंगे ना तब तक तब तक मतलब नींद नहीं आएगी आज इतना ज्यादा हैवी हो चुका है इसको बोलना पड़ेगा दवाई भी साथ में दिया करें एक गोली साथ में प्लेट में प्लेट में रख के खाया करें कायम पैकेट दे रहा था ना ऐसे ही कायम चिप्स का पैकेट दे दे जाकर खाओ खाओ आराम से सॉफ्ट की जगह पे फिर इसके लिए वॉश भाई यहाँ पे ज्यादा हंस नहीं सकते ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी हालत अगर समझ सकते हो किसी ने ओवर ईटिंग हो जाए ना तो बहुत बुरा होता है एंड अभी मैं पता मास्क भी नहीं लगा पा रहा इस चक्कर में क्योंकि अगर सांस अटक गई ना तो वॉमिट बग्गी हो जाएगी मेरे को इसलिए अभी मिलता हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद तो सच बताऊँ बाइक चलाने की और वॉक करने की भी हिम्मत नहीं रह गई ये है कि खाना जो है गले से नीचे उतर गया पेट में स्टोर हो गया एंड पेट इतना ज़्यादा हैवी हो गया ना यार वैसे मैंने ये चीज़ हमेशा हर एक चीज़ में नोटिस करी है अगर मैं किसी भी चीज़ की अगर मैं क्या अगर आप लोग किसी भी चीज़ की तारीफ कर दो चाहे खाना हो या कोई भी चीज़ हो तो अगर उस दिन वो चीज़ करने जा रहे हो वो चीज़ कभी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी जैसे आज मैंने खाने की कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी खाना अच्छा था बट इतना ज़्यादा ओवर हो गया ना आज पता नहीं तीनों का ऐसा नहीं मेरा तीनों का इतना ज़्यादा ओवर हो गया ना वरना हम तीन जने कम से कम पांच नान आराम से खा जाते थे आज हमसे तीन नान भी पूरे नहीं खाए गए पता नहीं आज क्या हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं हो सकता है माइट भी इसलिए हो रहा हो बट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया आज जैसे ये मुँह कर रहा ना ऐसे एक बार बॉब्स आ जाए ना डकार आ जाए तो मज़ा आ जाए गोविंद मज़ा आ रहा है अब हाँ मज़ा आ रहा है मुझे बाहर आने को हो रहा है यार वैसे आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा था नहीं कि ब्लॉग करना है बट मन कर रहा था बाइक चलाने का एंड जब बाइक चलाने निकल रहे थे शाम को मैंने कहा चलो डिनर करते बाहर आते हैं तो मतलब आज की राइड सिर्फ बेसिक राइड बोल सकते हो सिर्फ डेली की राइड गई है एंड एंटरटेनमेंट तो आपको पता है मतलब हम हो और एंटरटेनमेंट ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता जिस व्लॉग में एंटरटेनमेंट नहीं होता ना जिस व्लॉग में मुझे खुद मज़ा नहीं आता ना एडिट करने में वो व्लॉग मैं अपलोड भी नहीं करता यही एक रीज़न है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आपकी वीडियोज़ बहुत कम आती हैं एक तो भाई हम बनाते भी थोड़ी कम है एंड कभी कभार तो मेरे साथ ऐसा सीन भी हो जाता है कि हमने वीडियो शूट कर लिया बट उस वीडियो में मुझे खुद इतना मज़ा नहीं आ पा रहा होता कि तो आपको क्या आएगा तो मैं ये सोचता हूँ जब तक हम जो काम कर रहे हैं अगर खुद को मज़ा नहीं आ रहा तो लोगों को क्या मज़ा आएगा तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसमें मेरे को हमें मज़ा आता है देखने में एडिट करने में जिसमें हमें खुद को हंसी आती है ना मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता तो अगर हम लोगों को हंसा रहे हमें हंसी नहीं आ रही तो आप लोगों को कहाँ से आएगी तो जिसमें जब तक हमें हंसी नहीं आती ना तब तक वो ब्लॉग भी नहीं देते हम एंड जिसमें एंटरटेनमेंट भरपूर होता है या बाइकों की आवाज़ें भरपूर होती है तो उसमें तो आप लोगों को मज़ा आता ही आता है तो इसलिए थोड़ा सा हमारे ब्लॉग की जो क्वांटिटी है वो कम रहती है बट क्वालिटी एंटरटेनमेंट में हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी वही रहती है कि भैया आप लोगों को एंटरटेनमेंट और बाइकों की आवाज़ पूरी मिले और साथ साथ बीच बीच में थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलती रहे तो अपना वही फंडा है एंड वही फंडा हम रख के आगे चलेंगे एंड आप लोगों का सपोर्ट और प्यार तो हमेशा सही है तो अपना सपोर्ट प्यार सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी ब्लेसिंग हमेशा ऐसी बनाए रखना और हम आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे और बाइकों की आवाज़ें सुनाते रहेंगे जय सच्चे बादशाह तेरी सलाह ही है।
एक दिन आया था जिस दिन हम भी बैठे होंगे लेकिन हम इसमें नहीं, इसमें बैठे होंगे हाँ उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसमें पेट्रोल का खर्चा कम लगेगा, वो 50,000 की पड़ती है, ये 1100 रुपए लीटर मतलब 1100 का टैंक फुल हो जाता तो चलो भाई हंसी मजाक के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा ही व्लॉग था, बस ज्यादा कुछ दिखाने को या करने को नहीं था, बाइक चलाने का मन था और मस्ती करने का मन तो हमारा हमेशा रहता ही है। अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, अगर नहीं अच्छी तो डिसलाइक भी कर देना, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन करके जरूर जाना, लाइक या डिसलाइक आपके ऊपर है। तो हम भी पहुंच गए ऑलमोस्ट अपने घर, अब मैं करूंगा यहाँ से गोविंद मेरे को ड्रॉप करेगा, उसके बाद गोविंद अपने घर जाएगा क्योंकि गोविंद की स्कूटी मेरे घर पे खड़ी है, तो काइंड ऑफ मैं पहले पहुंचूंगा देन गोविंद पहुंचेगा। तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज मी कमल एंड गोविंद साइनिंग ऑफ विथ क्या हाल हमारे वही ओके देखो गोविंद को डराऊं फिर से आपको वीडियो में दिखेगा नहीं है कैसे मेरा पेट पकड़ के बैठा हुआ ताकि ये पीछे ना फिसले, अब तो नहीं फिसला तो कर दो। चलो भाई बाय बाय गाइस।